पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का असर पहले चरण के मतदान में साफ देखने को मिला। 2017 के मुकाबले इस बार पहले चरण में 3% कम वोट पड़े, तो वहीं पहले चरण के बाद कई मंत्री ऐसे हैं जो हार जीत का समीकरण बिठाने में जुटे हैं। इस बीच अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा को हार का डर सताने लगा है और अब वे 40 बूथों पर फिर से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान 10 फरवरी को हो चुका है। पहले चरण में सबसे ज्यादा सियासी गर्मी शामली जिले में ही दिखाई दी। पहले चरण में सबसे ज्यादा मतदान इसी जिले की कैराना सीट पर हुआ, लेकिन अब यहां की दूसरी सीट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सियासत पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है कि थाना भवन से दो बार लगातार जीत हासिल करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार इस बार जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे। योगी सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा की जीत इस बार मुश्किल लग रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुरेश राणा की तरफ से थाना भवन सीट के 40 बूथों पर धांधली का आरोप लगाया गया। राणा की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पर बूथ पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। राणा के पत्र में दबंगई, फर्जी वोटिंग और गरीब कमजोर लोगों को वोट नहीं डालने देने का जिक्र किया गया था। इस आधार पर 40 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग की गई, लेकिन अब बीजेपी के बड़े नेता और योगी सरकार में गन्ना मंत्री को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी मांग को जिलाधिकारी ने ठुकरा दिया। शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुआ, प्रेक्षक ने भी मतदान प्रक्रिया को सही पाया था, इसलिए अब दोबारा से मतदान कराने की न तो गुंजाइश है और न ही जरूरत। ऐसे में जिलाधिकारी के जवाब को गन्ना मंत्री सुरेश राणा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सपा रालोद उम्मीदवार अशरफ अली ने सुरेश राणा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत करना हार का डर और बौखलाहट है। बीजेपी की सरकार में विपक्षी पार्टी गड़बड़ी कैसे कर सकती है। आपको बता दें कि थाना भवन विधानसभा सीट पर सुरेश राणा के मुकाबले में गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल ने अशरफ अली को सामने किया है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जहीर मलिक पर भरोसा जताया। सुरेश राणा को पश्चिमी यूपी में एक कद्दावर नेता के रूप में गिना जाता है। माना जा रहा है कि थाना भवन विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बसपा के उम्मीदवार भी चौंका सकते हैं। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, वो किसी से भी ताज छीन सकती है और किसी को भी गद्दी पर बैठा सकती है, लेकिन इस बार गन्ना किसानों में भुगतान को लेकर नाराजगी है। किसान आंदोलन का भी असर है और साथ ही सपा रालोद का गठबंधन भी असरदार दिखाई पड़ता है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुरेश राणा की सीट फंसी हुई है और इसलिए ये बौखलाहट सामने आ रही है। हालांकि 10 मार्च को तस्वीर साफ हो ही जाएगी, लेकिन तब तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।